नमस्कार, जनप्रवाद में आपका स्वागत है। आज की 10 बड़ी खबरों के साथ मैं हूं हेमेंद्र सिंह। आज हम बात करेंगे नागरिकता कानून को लेकर देश भर में विरोध प्रदर्शन की। हम जानेंगे कि सुप्रीम कोर्ट से याचिका खारिज होने के बाद दिल्ली हाई कोर्ट क्यों गए निर्भया के आरोपी। बताएंगे कि नागरिकता कानून पर जेपी नड्डा समेत विपक्षी नेताओं ने क्या बयान दिया। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप पर महाभियोग प्रक्रिया पर भी हम बात करने के साथ देश की अन्य बड़ी खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। नागरिकता संशोधन कानून को लेकर देश भर में प्रदर्शन जारी है। दिल्ली में प्रदर्शन के दौरान संदीप दीक्षित, सीताराम येचुरी सहित सैकड़ों लोगों को हिरासत में लिया गया है। बंगलुरु में इतिहासकार रामचंद्र गुहा को भी हिरासत में लिया गया है। दिल्ली में 20 मेट्रो स्टेशनों को एहतियातन बंद कर दिया गया है। वहीं दिल्ली के कुछ इलाकों में इंटरनेट और मोबाइल सेवा भी रोक दी गई है। यूपी के संभल में प्रदर्शनकारियों ने काफी उत्पात मचाया। गुजरात में पुलिस ने लाठीचार्ज किया। असम में चल रहे प्रदर्शन के बीच हाईकोर्ट ने मोबाइल इंटरनेट सेवाएं बहाल करने का निर्देश दिया है। लखनऊ के हजरतगंज इलाके में विरोध प्रदर्शन हिंसक हो गया है। यहां प्रदर्शनकारियों ने पथराव किया, जिसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज का सहारा लिया। कई मीडिया संस्थानों की ओबी वैनों को भी प्रदर्शनकारियों ने आग के हवाले कर दिया। लखनऊ के परिवर्तन चौक पर कांग्रेस वामपंथी दलों ने प्रदर्शन किया है। कांग्रेस अध्यक्ष अजय लल्लू और अन्य को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। यहाँ प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने भीड़ को नियंत्रित करने के लिए लाठियां भी भांजी हैं। इसी तरह कलेक्ट्रेट बाग कैसरबाग क्षेत्र में सपा के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन कर गिरफ्तारी दी है। इसके अलावा भी शहर में जगह जगह प्रदर्शन हो रहे हैं। वहीं लखनऊ के सीतापुर रोड पर प्रदर्शनकारियों ने पुलिस चौकी फूंक दी है। कई गाड़ियों में आग भी लगाई। रामगंज चौराहे पर मस्जिद की छत से पथराव किया गया। दिल्ली में गुरुग्राम हाईवे पर ट्रैफिक जाम की वजह से 16 उड़ानों में देरी हुई है। इंडिगो ने 19 उड़ानों को रद्द कर दिया है। चालक दल के सदस्य ट्रैफिक जाम और अन्य कारणों से जाम में फंसे हुए हैं। संभल जिले में इंटरनेट सेवाओं को अगले आदेश तक निलंबित किया गया है। नागरिकता कानून के विरोध के बीच भाजपा ने मनमोहन सिंह का पुराना वीडियो जारी किया। इस वीडियो को लेकर भाजपा दावा कर रही है कि मनमोहन सिंह के बयान को ध्यान में रखते हुए ये कानून लाया गया है। माना जा रहा है कि कांग्रेस को घेरने के लिए भाजपा ने ये कदम उठाया है। अब आपको बता दें कि इस वीडियो में क्या है। ये वीडियो राज्यसभा का है, जिसे 2003 में लिया गया था। इसमें पूर्व पीएम मनमोहन सिंह राज्यसभा में बयान दे रहे हैं। वीडियो में मनमोहन सिंह शरणार्थियों के लिए सरकार को सहानुभूतिपूर्ण बर्ताव रखने का सुझाव दे रहे हैं। 2003 में केंद्र में अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार थी। उस दौरान राज्यसभा में मनमोहन सिंह सदन में नेता विपक्ष थे। पूर्व पीएम कह रहे हैं कि अगर प्रताड़ित लोग शरण के लिए पहुंच रहे हैं तो इन्हें शरण देना हमारा दायित्व है। इन लोगों को शरण देने के लिए हमारा व्यवहार उदारपूर्ण होना चाहिए। बता दें कि कांग्रेस धार्मिक आधार पर नागरिकता देने के लिए केंद्र सरकार पर हमला बोल रही है। अन्य विपक्षी दलों द्वारा भी इस कानून का विरोध किया जा रहा है। ऐसे समय में पूर्व पीएम का राज्यसभा में दिए बयान को भाजपा निकाल लाई है। अब मनमोहन सिंह के इस बयान पर राजनीतिक घमासान होना तय माना जा रहा है। भाजपा ने यह वीडियो अपने ट्विटर अकाउंट पर शेयर किया है। निर्भया के दोषी अब अपने अंजाम की ओर पहुंच रहे हैं। आज इस मामले को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई हुई, जिसमें दोषी पवन गुप्ता की याचिका को अदालत ने खारिज कर दिया। निर्भया के चार दोषियों में से एक पवन कुमार गुप्ता ने दावा किया कि वो 2012 में नाबालिग था। उसकी इस याचिका पर सुनवाई करने से दिल्ली हाई कोर्ट ने मना कर दिया है। इसके साथ ही न्यायाधीश सुरेश कुमार ने पवन कुमार के वकील एपी सिंह पर कोर्ट का समय बर्बाद करने के लिए 25,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है। फांसी को लेकर चल रहे इस खेल पर नाराजगी जताते हुए बार काउंसिल से वकील के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए कहा है। अदालत के इस फैसले के बाद माना जा रहा है कि निर्भया के दोषियों को फांसी की सजा जल्द मिल सकेगी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर महाभियोग चलाने की मंजूरी संसद के निचले सदन में मिल गई है। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के बाद ऊपरी सदन सीनेट में ट्रंप का मुकदमा चलाया जाएगा। अमेरिका के इतिहास में ट्रंप ऐसे तीसरे राष्ट्रपति हैं जिनके खिलाफ महाभियोग को मंजूरी दी गई है। डेमोक्रेट सांसदों के बहुमत वाले अमेरिकी संसद के निचले सदन ने 197 के मुकाबले 230 मतों से महाभियोग को मंजूरी दे दी। ट्रंप पर आरोप है कि उन्होंने यूक्रेन के राष्ट्रपति पर बाइडेन के खिलाफ भ्रष्टाचार की जांच के लिए दबाव बनाया है। बाइडेन के बेटे यूक्रेन की एक ऊर्जा कंपनी में बड़े अधिकारी हैं। अब रिपब्लिकन पार्टी के बहुमत वाली सीनेट में राष्ट्रपति ट्रंप के खिलाफ जांच शुरू होगी। ये जांच नेताओं के छोटे छोटे समूह यानी समितियां करेंगी। हर एक समिति को इस मामले से जुड़े किसी एक चीज को समझने में महारत हासिल है। इस मामले में सार्वजनिक तौर पर गवाहों को भी बुलाया जाएगा। भारत और अमेरिका के बीच 2+2 वार्ता हुई। इस वार्ता में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री एस जयशंकर मौजूद रहे। राजनाथ सिंह ने कहा कि 2+2 वार्ता ने राजनयिक और सुरक्षा नीतियों में तालमेल को और बेहतर बनाया है।
दोनों देशों ने उच्च स्तर पर संबंधों को और गहरा करने का एक समझदार फैसला लिया है। बीते कुछ वर्षों में हमने हथियार अधिग्रहण में विविधता लाने और स्वदेशीकरण करने का फैसला किया था। इससे अमेरिका के साथ रक्षा कारोबार बढ़ा है, ये इसका एक महत्वपूर्ण पहलू है। अमेरिका के साथ आईएसए समझौता हुआ है, इससे रक्षा उत्पादन केंद्र में सह निर्माण और सह उत्पादन ढांचा प्राप्त हो सकेगा। गोपनीय प्रौद्योगिकी और जानकारी का सुगम हस्तांतरण संभव हो सकेगा। मेक इन इंडिया और भारत में दो रक्षा उत्पादन गलियारों जैसी सरकार की महत्वपूर्ण पहलों का महत्व और बढ़ जाएगा। नागरिकता कानून को लेकर लोग सड़क पर हैं, इसी के साथ विपक्षी पार्टियां भी पीछे नहीं हैं। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने मोदी सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि मेट्रो स्टेशन बंद हैं, इंटरनेट बंद है, हर जगह धारा 144 की गई है, किसी भी जगह आवाज़ उठाने की इजाज़त नहीं है। जिन्होंने आज टैक्स पेयर्स का पैसा खर्च करके करोड़ों का विज्ञापन लोगों को समझाने के लिए निकाला है, वही लोग आज जनता की आवाज़ से इतना बौखलाए हुए हैं कि सबकी आवाज़ें बंद कर रहे हैं। प्रियंका गांधी ने आरोप लगाया है कि सरकार दमनकारी कदमों से लोगों की आवाज़ दबाने का प्रयास कर रही है। सरकार जितना आवाज़ दबाएगी उतनी तेज आवाज़ उठेगी। विरोध प्रदर्शन करने के लोकतांत्रिक अधिकारों को दबाने के लिए भाजपा को शर्मिंदा होना चाहिए। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि मोदी सरकार ने संविधान पर हमला बोला है, युवाओं पर हमला बोला, छात्रों पर हमला बोला है। सरकार जनता की आवाज़ से इतना बौखला गई है कि आवाज़ें बंद कर रही है। नागरिकता कानून के विरोध प्रदर्शनों के बीच भाजपा के कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि नागरिकता कानून लागू होगा, भविष्य में एनआरसी भी लागू होगा। भाजपा मुख्यालय में अफगानिस्तान के शरणार्थियों से भेंट के बाद जेपी नड्डा ने यह बयान दिया। उन्होंने कहा कि भारत नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो फैसले लेता है वो मानवतावादी और देश हित में होते हैं। उन्होंने कहा कि कानून का विरोध करने वाले वोट बैंक की राजनीति छोड़ दें, वोट बैंक की खातिर मानवीय पक्ष का निराधार ना करें। नड्डा ने कहा कि विपक्षियों को पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से प्रताड़ना के शिकार हुए लोगों से मिलना चाहिए। हिंदू, जैन, बौद्ध, पारसी, ईसाई एवं सिख समुदाय के लोगों का दर्द समझना चाहिए। ये देखना चाहिए कि वे किस हालत में रह रहे हैं। ये लोग ना तो प्रमाण पत्र बनवा सकते हैं और ना ही बच्चों का दाखिला करवा सकते हैं। उनका भविष्य अदर में लटका हुआ है। शेयर बाजारों में लगातार तीसरे दिन तेजी देखी गई। सेंसेक्स निफ्टी ने नया रिकॉर्ड बनाया है। विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों की जारी निवाली के बीच कंपनियों में तेजी आई है। इससे घरेलू शेयर बाजार में लगातार तीसरे दिन नए रिकॉर्ड बनने का क्रम जारी रहा। बीएसई के 30 शेयरों वाले संवेदी सूचकांक सेंसेक्स में 115.35 अंक की तेजी रही। ये 41,674 अंक के नए रिकॉर्ड उच्च स्तर पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान ये एक समय सार्वकालिक उच्च स्तर पर पहुँच गया। इसी तरह एनएसई का निफ्टी भी 38.05 अंक की तेजी के साथ रिकॉर्ड 12,259 अंक पर बंद हुआ। सेंसेक्स में शामिल कंपनियों में येस बैंक में सर्वाधिक 6.74% की तेजी रही। इसके बाद टीसीएस, टाटा मोटर्स, भारतीय एयरटेल, महिंद्रा एंड महिंद्रा और रिलायंस इंडस्ट्रीज का स्थान रहा। वेदांता, एचडीएफसी, सनफार्मा और इंडसइंड बैंक में 2.26% तक की गिरावट आई। केजरीवाल ने मुफ्त वाईफाई सेवा की शुरुआत की। उन्होंने आईटीओ बस स्टैंड पर इस योजना की शुरुआत की। इस बीच दिल्ली में इंटरनेट सेवाएं बंद रहीं, जिसको लेकर केजरीवाल ने मोदी सरकार पर तंज कसा। केजरीवाल ने कहा कि ये विरोधाभास है। जिस दिन मुफ्त वाईफाई योजना शुरू की जा रही है, पुलिस ने इंटरनेट सेवाएँ बंद कर दी हैं। केजरीवाल ने कहा कि देश में लोग डरे हुए हैं। करीब 70% के पास अपनी नागरिकता साबित करने के लिए कोई दस्तावेज नहीं है। मुझे उम्मीद है कि हालात जल्द सामान्य हो जाएंगे और इंटरनेट सेवाएं बहाल हो जाएंगी। उन्होंने कहा कि संशोधित नागरिकता कानून की कोई जरूरत नहीं है। सरकार को चाहिए कि वो युवाओं को रोजगार मुहैया कराने पर ध्यान दे। उन्होंने कहा कि मैं केंद्र सरकार से हाथ जोड़कर अपील करता हूँ कि इस समय इस कानून को ना लाएं। उन्होंने कहा कि ना सिर्फ मुसलमानों में बल्कि सभी नागरिकों में डर है। उन्हें अपनी नागरिकता साबित करनी होगी और दस्तावेज दिखाने होंगे। 70% लोगों, खासतौर से गरीबों के पास दिखाने के लिए दस्तावेज नहीं है और उन्हें डर है कि उन्हें देश से निकाल दिया जाएगा। उत्तर भारत में शीतलहर का प्रकोप जारी है। इन दिनों ठंड और अधिक बढ़ गई है। दिल्ली और अन्य प्रमुख शहरों में इस मौसम का सबसे कम तापमान दर्ज किया गया है। वहीं राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर और हरियाणा में अलग अलग स्थानों पर घना कोहरा छाया रहा। दिल्ली में मौसम का सबसे ठंडा दिन रिकॉर्ड किया गया। यहाँ न्यूनतम तापमान 7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। मौसम विभाग ने कहा कि अधिकतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। ये सामान्य से 5 डिग्री कम है। यूपी में ठंड को लेकर स्कूलों को बंद रखने का आदेश दिया गया है। मौसम विभाग के अनुसार कई जगहों पर कोहरे छाए रहने की संभावना है। ठंड बहुत अधिक रहेगी। अधिकतम तापमान
19 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में पिछले एक सप्ताह से पारा काफी नीचे रहा। हिमाचल में शून्य से नीचे पारा चला गया है। पिछले कुछ दिनों से ऊंचाई वाले इलाकों में भारी बर्फबारी हो रही है। इसके अलावा मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ समेत देश के कई अन्य हिस्सों में कड़ाके की सर्दी जारी है। बड़ी खबर में बस इतना ही। देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।